आपका दोस्त मनीष पाल दिल्ली 9 से आ गया हूँ एक अनदर ब्लॉग में। सो गाइस आज मैं पहुंच चुका हूँ एक गाड़ियों के डीलर। सो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ एक प्रमोटेड वीडियो। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि इनकी डीलिंग किन किन गाड़ियों में होती है और कैसी डीलिंग्स होती है, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं राघव जी के पास और राघव जी से करते हैं बात। हेलो राघव जी, कैसे हैं आप? सो गाइस ये हमारे राघव जी जो कि इस दुकान के ओनर है। सो गाइस करते हैं इनसे बात की डीलिंग किस प्रकार से गाड़ियों के साथ होती है। सो राघव जी आप इन गाड़ियों की जो डीलिंग करते हैं वो बेसिकली किस किस मॉडल की गाड़ियाँ होती है? सर हमारे पास ज्यादातर 18 प्लस अपर मॉडल होते हैं, 18, 19, 20, 22 जहाँ तक होते हैं, एंड मैक्सिमम सारी कार्स और ओरिजिनल पेंट की होती है, कंपनी मेंटेन होती है। और जो ये गाड़ियां हैं वो फर्स्ट ओनर होती हैं या सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है सर, सारी ए टू जेड हमारे पास फर्स्ट ओनर कार है। राघव जी से हमारी बात हो चुकी है। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जैगुआर। तो आगे की वीडियो में जैगुआर की डिटेलिंग करेंगे और बताएंगे आपको। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और देखते हैं गाड़ी के साथ। हे गाइस, फाइनली दोबारा भाई पहुंच चुका है अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर गाड़ी की डिटेलिंग होने वाली है जिसके लिए हम बुलाने वाले हैं राघव सर को जो की ओनर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सुपर मोटर के। सो गाइस मिलते हैं राघव जी से। आगे सर, आगे सर। तो ये हमारे राघव सर, सबसे पहले तो आप हमारे सब्सक्राइबर को हाई कहिएगा। तो गाइस इनका जो है कार डीलिंग का काम है और इनके पास काफी अलग अलग तरीके की गाड़ियां होती हैं। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की बाहर से लुक, जो कि गाड़ी देखने में बहुत ही ऑसम लगती है। आप देख सकते हैं इसके एलईडी लैंप दिए गए हुए जो कि जब जलते हैं जो कि गाड़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी जैगुआर का लोगो और जैगुआर की बैटिंग ग्रिल के साथ में इसकी क्रोम फिनिश दी गई है यहाँ पर, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको साइड प्रोफाइल, यहाँ पर जैगुआर की अगेन बैचिंग दी गई है और जो इसके टायर है वो 19 इंच के टायर है इसके। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्रोम फिनिशिंग के साथ में ये गाड़ी को बेहद खूबसूरत बनाती है गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और अब हम आ गए इसकी बैक साइड से। तो गाड़ी है ये एफ पेस मॉडल और ये जैगुआर की बैटिंग के साथ में जैगुआर का लोगो। जैसा कि गाइस देख रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल, राइट साइड प्रोफाइल, फ्रंट और बैक। सो गाइस आप देख रहे हैं गाड़ी कितनी ही सुंदर लग रही है और ये एक एसयूवी बिजनेस क्लास गाड़ी है गाइस। जो भी चलिए ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और करते हैं गाड़ी की डिटेलिंग। तो राघव जी गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है इस गाड़ी के अंदर में और अब आपको कुछ दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी के कंट्रोल्स। तो उसके लिए हमारे राघव जी बताने वाले हैं इस गाड़ी के कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी का इंटीरियर का जो स्टीयरिंग है। सो स्टीयरिंग पर हम आ चुके हैं और यहाँ के मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कंट्रोल्स। तो राघव जी आप बताएंगे इसके कंट्रोल्स जो है किस किस काम में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया हमें इसमें मिल जाता है क्रूज मोड, साथ में मिल जाता है इसमें लेन असिस्ट, ठीक है, ओके, रोड असिस्टेंस है वो भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग पूरा पावर मोड हो गया, कंट्रोल मोड हो गया, ये पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, डिफरेंट ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है पूरा। एंड सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस ये जो इसका मीटर है इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस के हिसाब से। पूरा इसमें मैप भी बन जाता है, यही सब है। और ये इसके इंडिकेटर्स वगैरह जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से इसके इंडिकेटर्स वगैरह है, यहाँ से इंडिकेटर है, यहाँ से वाइपर्स, वो है सारा कंट्रोल, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ गाइस आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले पर और इसके विंग्स पर यहाँ पर जैगुआर की बैचिंग दी गई हुई है जो कि देखने में और ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बिकॉज क्रोम फिनिश के साथ में यार एक तो गाड़ी है जैगुआर और जैगुआर के साथ में जब ये जो क्रोम फिनिश वाली मतलब प्रीमियम लुक जुड़ जाती है तो मतलब गाड़ी में ना और चार चांद लग जाते हैं। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसका कुछ कंट्रोल, जैसे कि इसकी डिस्प्ले पे जो कंट्रोल्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके एसी के कंट्रोल्स है, लाइक टेम्परेचर के लिए हो गए ये बटन, इसके हो गए ऑटो मोड के लिए हो गए, रियर के लिए हो गया गाइस, ये डबल इंडिकेटर जो आपको पार्किंग इंडिकेटर हो गए जिसे हम कहते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं इसका ये पुश एंड स्टॉप
बटन है जो कि देखने में बहुत ही यूनिक और अलग सा लगता है, लाइक बहुत ही छोटा सा है और सिल्वर कलर की इसमें जो प्रिंटिंग दी है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैं आता हूँ गाइस इस डिस्प्ले पर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्लूटूथ है और यहाँ पर इसके हैं कुछ फोन से रिलेटेड कंट्रोल्स, जहाँ से हम अब इसमें फोन कनेक्ट करके कॉल्स वगैरह जो भी हम करनी है या फिर गाने वगैरह जो सुनने वो हम कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इसके मीडिया जो यहाँ से हम गाने वगैरह सुन सकते हैं और ये ब्लूटूथ कनेक्टिंग के लिए यहाँ से पेयर वगैरह कर सकते हैं हम। और आपको दिखाता हूँ इसका मैप, ये रहा इसका मैप, हम यहाँ पर इजी टू मैप के लिए फोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉइड प्ले और प्लस पर कॉल प्ले है। और मैं आपको दिखा दूँ इसका रिवर्स कैमरा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री एंगल का कैमरा है, आपको पीछे की साइड एक एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख जाती है। स्टार्टिंग जो है ना इसकी बहुत ही अमेजिंग तरीके से गाड़ी स्टार्ट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इसका गियर नॉब है वो बहुत ही अलग तरीके से निकलता है, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम करेंगे गाड़ी को बंद और ये हमारी गाड़ी होगी बंद और ये अंदर को जा चुका है। सो गाइस यहाँ पर अभी हम किसी चीज को गियर को कंट्रोल नहीं कर सकते और लेट्स हम करते हैं स्टार्ट। मतलब कितना ही अमेजिंग फील देता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है, जैसे कि ग्लास होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो कंट्रोल है गाइस हैंड ब्रेक, और मैं गाइस दिखा दूं यहाँ पर कुछ मोड्स दिए गए हैं, जैसे लाइक अगर हमें इको मोड पर चलाना है, स्पोर्ट मोड पर चलाना है तो यहाँ से हम उन मोडों को चेंज कर सकते हैं गाइस। और ये है और ये ऑफ का बटन। सो गाइस अब आपको दिखाने वाला हूं इसका फ्रंट, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी लेदर फिनिश के साथ दिया गया है गाइस। इसके लेदर फिनिश जो कि मतलब देखने में गाड़ी में बहुत ही अमेजिंग लुक देती है। और इसके कुछ कंट्रोल्स जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर इसके कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये इसका हैंडल और ये इसका मिरर कंट्रोल जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, और ये इसका लॉक का बटन है। और गाइस मैं आपको दिखा दूं कि गाड़ी में कितना ही स्पेस दिया गया है, यहाँ पे इसके कुछ बोटल होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे आप इजीली अपनी बोटल को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरिडियन के साउंड सिस्टम दिया गया हुआ है। और मैं आपको दिखा दूं एम्बिएंट की यहाँ पे लाइटिंग जलती है जो कि रात में गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जैगुआर की बैचिंग दी गई हुई है गाइस, और यहाँ पर भी लाइटिंग होती है। गाड़ी इतनी न्यू है कि इसके यहाँ की ना पन्नी भी रिमूव नहीं करी गई है अभी तक। तो गाइस जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी लाइट्स के कंट्रोल दिखे हुए, और ये लाइट्स के कंट्रोल गाइस इसमें बटन प्रेस नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट टच है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही सॉफ्ट टच है और लाइट कितनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रूफ के कंट्रोल। तो पहले हम दबाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बटन को, हम प्रेस करेंगे, ये हो रहा है हमारा कार्टन रिमूव। देन उसके बाद में हम करेंगे रूफ को भी रिमूव। तो ये हमने कर दिया बटन प्रेस और हमारी रूफ खुल रही है गाइस, देख सकते हैं आप गाइस कितनी ही बड़ी है। और यहाँ पर इजिली कोई भी आराम से खड़ा होकर के बाहर के मजे ले सकता है, इवन मौसम के मजे ले सकता है। मिरर कंट्रोल, डोर कंट्रोल जो भी है वो इस साइड पर दिए गए हुए हैं सारे के सारे, और ये सारे डबल टैप में दिए गए हुए हैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देखेंगे ये सारे सारे। लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया हुआ है यहाँ पर, लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया हुआ गाइस। और ये इसकी मेमोरी सीट्स है, यहाँ पर आप इनकी मेमोरी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, देन प्लस मेमोरी सीट्स को एडजस्ट करके रख सकते हैं ताकि आप आगे से इस गाड़ी में अगर बैठते हैं तो आपको दोबारा से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली वन को प्रेस करिए और फिर आपकी जो सीट आपने पहले एडजस्ट कर रखी है वो यहाँ से उसी एडजस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और गाइस ये दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर इसके विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। इधर आप देखेंगे हमने कर दिया राइट की साइड में, और अब हम शीशे को करेंगे नीचे तो ये मिरर मूव हो रहा है। सो गाइस ये इसके कुछ कंट्रोल्स हैं और यहाँ से ये बंद हो गया है। अब इसी के साथ चलते हैं हम इसकी पीछे वाली सीट पर और वहां पर दिखाते हैं आप इसकी गाड़ी का स्पेस, जितना स्पेस है इस गाड़ी के अंदर तो वो हम आपको बाहर से एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर से स्पेस। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं स्पेस ही स्पेस है, मतलब इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसके विंग्स, लाइक ब्लोर, इसके अलग अलग कंट्रोल है, आप इस ब्लोर को इससे हैंडल कर सकते हैं, आई मीन इससे कंट्रोल कर सकते हैं और इस ब्लोर को इससे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब दोनों ही साइड को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है गाइस। और ये इसके एसी के मतलब स्पीड तेज कर सकते हैं हम, स्पीड को कम और तेज कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको दिखा दूं कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पर। और ये इसकी यहाँ पर कुछ लाइट्स दी गई है गाइस जो कि रात में काम आती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना भूल गया गाइस, इसके अंदर सीट एडजस्टमेंट का बटन है जो कि कंट्रोल है, तो हर गाड़ी में ये चीज नहीं होती है। आप देख सकते हैं गाइस ये जो इसकी बैक है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन के जरिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस गाड़ी का बूट, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर में। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं।
ये अपने हमने कर दिया है बूट को ओपन, और इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस अभी इसकी ट्रे लगी हुई है। अगर हम इस ट्रे को हटा देते हैं तो हमारे पास स्पेस ही स्पेस हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कितना ही ज्यादा स्पेस है। आपको अगर कहीं बाहर आउटिंग के लिए भी जाना है तो बहुत सारा सामान इसमें आप कैरी कर सकते हैं इजिली, और ये इजी टू फोल्ड हो जाती है ये ट्रे, और इजी टू लग भी जाती है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा इस गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी के लुक, तो अब हम बात कर रहे हैं इस गाड़ी की डील के बारे में। तो बात करेंगे हम अपने सर से और पूछते हैं इस गाड़ी की डील के बारे में। तो सर बताएंगे आप इस गाड़ी की डील क्या है और कैसे। 2020 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 25,000 किलोमीटर जन है, जगवर की एसपेस पेट्रोल में है ये कार, प्रेस्टीज वाले वेरिएंट टॉप आता है, प्रेस्टीज वेरिएंट टॉप होता है। ठीक है, और ऑल ओरिजिनल पेंट कंपनी रिकॉर्ड्स है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड जनरल। ये डील सर आपकी कितनी सी फ्लैग की हमारी आस्किंग प्राइस है, जस्ट मैं पूछूं। तो सर आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपकी प्रॉपर लोकेशन क्या है शोरूम की। सर हमारा शोरूम अशोक विहार दिल्ली में लोकेटेड है, फेज 2 में, सुपर मोटर्स के नाम से। आप किसी से पूछ लेंगे आपको पता लग जाएगा। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस यहाँ पर वीडियो में, आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस शोरूम से और इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। बिकॉज ये गाड़ी ना बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है, और आजकल आपको पता है गाइस दिल्ली जैसे शहर में ना पेट्रोल की गाड़ियों की कीमत बढ़ती जा रही है, और फिर तो ये वैसे भी लग्जरी कार है गाइस। तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचो और कॉल कर सकते हैं और इस गाड़ी को ले सकते हैं। सो बाय गाइस।